हाय दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्सिस बैंक के शेयर का कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज ये लगभग 1.5 से 2% तक बढ़ा हुआ था। अगर आप इसका एक घंटे का टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट देखेंगे तो पिछले दिन आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इसके बनने के बाद जो है कि देख सकते हैं आप, शेयर का प्राइस अपसाइड गया हुआ है और आज इस शेयर ने एक सपोर्ट लिया है और वहां पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, जो कि 1045 और 47 रुपये के बीच में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद शेयर का प्राइस अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, उसके लिए हमें इस पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझा जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इस शेयर में जो कैंडल बनी हुई है, इसका जो क्लोजिंग है वो लगभग 1053 रुपये के आसपास है और ये इसका फिलहाल इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। अगर यह शेयर कल के दिन 1053 रुपये के ऊपर बना रहता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा या नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 1058 रुपये पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से शेयर का प्राइस डाउन हुआ था और कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ पर है, तो इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1064 या 65 रुपये के आसपास हो सकता है। अगर यह शेयर डाउन साइड में आता है तो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है कि 1045 पर है। अगर इसको भी क्रॉस करके और डाउन आता है तो लगभग 1038 रुपये के आसपास है। अगर इसको भी क्रॉस करके आता है तो ये लगभग 1028 रुपये के आसपास आ सकता है। अब देखते हैं इस वीक में इसका मोमेंट किस तरफ हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर